सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। प्लाज्मा न्यूज लगातार जामिया के प्रोग्राम को कवर करता है। आज आजमी का प्रोग्राम था, बच्चों के लिए था, स्कॉलरशिप दिया गया। लगातार प्लाज्मा न्यूज करता है कि वक्त आ गया है महिलाओं को आजाद कीजिए और देखिए कि महिला क्या कमाल करती है। आज आदमी ने सबसे बेहतरीन काम यह किया कि महिलाओं को स्कॉलरशिप में सबसे ज्यादा तवज्जो दी। सर आपने बहुत कीमती वक्त दिया वसीम साहब, आपको तो गर्व हो रहा होगा जामिया को लेकर जिस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इस प्रोग्राम के बारे में हमारे व्यूवर्स या और लोगों को जरूर बताइए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कारनामा है हमारे आजमी के मौजूदाराम का, कि इस COVID-19 सिचुएशन के बावजूद जो हालात बहुत ख़राब है, हमारे बच्चों के भी बड़े, क्योंकि जो एक साल से यानी जिस दौर से यानी पूरा हिंदुस्तान या पूरी दुनिया गुजर रही है, तो हमारा क्योंकि मैं ऐसी जगह पर बैठा हुआ हूँ कि मुझसे बहुत बच्चों का रास्ता रहता है और बच्चे और माँ बाप सभी परेशान हैं, फीस जमा नहीं कर पाते, और उसमें ये आदमी के लोग ये दूसरे दीगर लोग यानी जो मदद कर देते हैं, तो उनसे बच्चों को और माँ बाप को थोड़ी सी राहत हो जाती है। तो इस तरीके के जो फलाही काम है, चाहे वो हम सभी को करने चाहिए, चाहे बिना किसी तफरीक के, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। और देखिए, अब रमज़ान शुरू होने वाले हैं, तो मैं सभी से यानी ये दरख्वास्त करूँगा कि भाई जो आपकी ज़कात वगैरह है उसका सही इस्तेमाल हो जाए, और अगर वो तालीम के मामले में अगर इस्तेमाल हो जाए तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। सर आपने बहुत अच्छी बात, हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लोग मदद तो कैसे वो अप्रोच करें आदमी को या क्या तरीका होगा उनको? देखिए, आदमी ये तो इनका दफ्तर तो यानी डेली खुला ही रहता है और ये लोग वैसे निकालते हैं, लेकिन दूसरा ये है कि मेरे पास तो शायद कोई भी बच्चा आता है और मैं उसको रिकमेंड कर देता हूँ, तो ये बेचारे ज़रूर कुछ ना कुछ उसकी मदद कर देते हैं, और बहुत से बच्चे मेरे पास आते रहते हैं। अगर इनका ऑफिस भी बंद होता है, मैं इनको पर्सनली ही जितने अहदेदार आने इनको टेलीफोन वगैरह करता रहता हूँ कि भाई इस बच्चे की आप लोगों को मदद कर दीजिए, और ये लोग करते हैं, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए कि ये जामिया में जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, टाइम टू टाइम ये उनकी मदद करते रहते हैं। अल्लाह ताला इनको जजाए खैर दे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकी भी मदद करनी चाहिए ताकि ये उन जो मुस्तहिक बच्चे हैं उन तक उनका अमाउंट इनके ज़रिए अगर पहुँचेगा तो वो सही जगह पर पहुँचेगा, क्योंकि हम भी हमसे भी ये लोग वेरीफाई उन बच्चों को करा लेते हैं और हम भी वेरीफाई करते हैं। अगर मुझसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ क्या है, तो मैं कहूँगा तालीम, तालीम, तालीम। आदमी का काम बेमिसाल है। इस तरह की और स्टोरीज लगातार हम आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लाज्मा न्यूज। बदरे आलम, जामिया अलुमनाई का सेक्रेटरी, सर का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ कि सर आज से इस कोरोना से जूझ रहे हैं सब लोग, ने भी टाइम निकाल कर हमारे बीच आए, और आप सब लोगों का, क्योंकि आप दूर दूर से स्कॉलरशिप लेने स्पेशल यहाँ आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी एक बच्चा था मुझे मिला, वो मथुरा से सीधा आया है, कई लोग बिहार से भी सीधे आए, तो वाकई हमें आज ये लग रहा है कि ये जो हमने प्रोसेस चलाया था स्कॉलरशिप का, वो स्कॉलरशिप बिल्कुल ठीक जगह जा रही है और हम लोग बहुत सही जगह जा रहे हैं, जो हम काम कर रहे थे हम उसमें सेटिस्फाई हैं। उसके साथ में जो हमारा प्रोसेस है स्कॉलरशिप का, आजमी की तरफ से आपको स्कॉलरशिप दी जा रही है, तो वो आजमी सब लोग जानते हैं अलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से, तो वो एक अब हम एक लिस्ट जो निकाली है, अभी 102 कॉलेज के बच्चे हैं और 28 लगभग स्कूल के बच्चे हैं, 130 की ये लिस्ट निकल गई है, उसके बाद प्लान कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे अलुमनाई है जैसे लोग सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, वैसे ही हम आगे वो पैसा स्टूडेंट को नीड बेस पे या जो रूरल में हैं जिस तरह से भी हैं, हम उसको वो पैसा प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं इसमें दानिश की हेल्प लूँगा, दानिश को, क्योंकि ये लोगों ने बहुत काम किया है और लिस्ट में काम किया है, पार्ट टाइम नहीं समझिए फुल टाइम, हम लोग पार्ट टाइम लगे रहते हैं, तो चार फुल टाइम दानिश प्लीज। आज के इस फंक्शन में चीफ गेस्ट प्रोफेसर वसीम अहमद खान साहब, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी डॉक्टर आनंद साहब, मरीम मोहम्मद, हमारे एसोसिएशन के और तमाम लोग जामिया की रिवायत को जिंदा रखते हुए
का आगाज करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. صدق الله العظيم. شكرا بہت پروگرام تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ سوچنا جامعہ اسلامیہ 2018 کے قیام کے بعد سے ہی ہر سال جامعہ کے میریٹیس اور نیڈی بچوں کو اسکالرشپ دیتی ہوئی آئی ہے کالج کے اسٹوڈنٹس ہوں پوسٹ گریجویٹ انڈر گریجویٹ ڈپلوما سرٹیفکیٹ سارے کورسز کے اور اسکول تمام اسکول کے چاہے وہ نرسری ہو جامع مڈل اسکول جامع سینئر سیکنڈری اسکول اور سید عابد حسین سینئر سیکنڈری اسکول تمام بچوں کو اسکالرشپ پرووائڈ کیا جاتا ہے اور اس میں بنا کسی تفرقے کے ہر کاسٹ ہر ریلیجن اور ہر طبقے کے بچوں کو شامل کیا جاتا ہے اس میں یہ پہلی لسٹ ہماری آئی تھی جس میں 130 بچوں کو ہم نے کال کیا تھا تو COVID-19 کے ریسٹرکشنس کی وجہ سے 30 بچوں کو ہم یہاں پر بلا کے اسکالرشپ ایکسیپٹ جو ہے جی پی ایس کے تھرو بچوں کو دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم بلا چاہوں گا وکاس شرما بی ایس سی آنرس میتھمیٹکس کو آئے اور اپنا چیک
मोहम्मद फैजान बी इलेक्ट्रॉनिक्स। कुलसुम जहां वीवो एमईपी। अबू सुफियान डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। एमडी साकिब फैसल बीडीएस। एमडी यूसुफ बीए ऑनर्स अरबिक। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जामिया के इन बच्चों को जो आज स्कॉलरशिप इनको मिली है उनको कुछ नसीहत करें। प्रोफेसर वसीम खान साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार जामिया आया था 2099 में, तो मुझे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी के बच्चे भी, मैं हिंदी से हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप मिली थी और फिर वो लगातार मिलती रही। तो ये ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती थी एसडब्ल्यू ऑफिस से मिलती थी,
और तो मुझे मतलब जामिया में जो सारी जगह हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्यारी जगह आज भी मुझे वही लगती है, क्योंकि वहाँ से मेरा जो ये ताल्लुक था एक तरह से, क्योंकि एक तो उसमें एक भाव भी आता था इस चीज़ का, दर्द का भाव जो होता है कि भाई हमने पढ़ाई अच्छी की है, हमें स्कॉलरशिप में, मतलब उसमें दोनों चीज़ होती थी, मतलब आप अकेडमिक्स में अच्छे हैं और आपने थोड़ा सा आपको जरूरत भी है उस तरह से मिलती थी, जो आप आगे भी आपको इस तरह से मिलेगी है और उसमें भी ये चीज़ देखी गई होगी ज़रूर। तो ये एक बड़ी चीज़ है और इंस्पिरेशन करने वाली चीज़ है कि आप आगे जो अपने दम पे अब स्कॉलरशिप में, मतलब आप इतनी पढ़ाई करें, मेहनत करें, ये तो एक छोटा सा एक वो है कि शुरुआत है और आप आगे पढ़ें जिस जिस कोर्स में हैं, वहाँ टॉप करें अच्छे से। और ऐसे भी सब ने बताया जैसे कि आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जैसे आप देख रहे हैं पूरा सिनेरियो जो चल रहा है और सब कुछ हो रहा है। और हमारे वाइस चांसलर थे एक शाहिद मेहंदी साहब, उनकी वाइफ थी निकत मेहंदी, इंतकाल हो गया पिछले साल जिनका, वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने ये बात हमसे बोली थी, जब जो सब ने आपसे बोली है कि भाई आप लोगों को जो है 21 करके दिखाना होगा, तब आप 20 की रेस में आएंगे। तो आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं और आपको शुभकामनाएं कि आप अच्छे से पढ़े, मेहनत करें और नाम रोशन करें जामिया का, अपने घर वालों का। ऑल द बेस्ट। हमारे मैं सेक्शन के सेक्रेटरी जनाब बद्र आलम साहब से गुजारिश करूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए इस प्रोग्राम का खत्म पर लेकर। जनाब बद्र आलम साहब शुक्रिया। सबसे पहले दानिश का दानिश में बहुत आगे, हमारे दोनों दानिश ने बहुत मेहनत की इन दोनों के लिए, उन्होंने बहुत टाइम दिया है। मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा नीचे जाएंगे, क्योंकि कई बार क्या है इसमें अमाउंट जो है जो चैट में आपको अमाउंट मिला हुआ वो 2500, 3500, 5000, ये हमने नीड बेस पर लिया और ये कोई इसमें कोई ताली या कोई गर्व नहीं है कि हमने एक को नहीं दिया, एक को नहीं दिया। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर बच्चे को कुछ ना कुछ जरूर दें नीड बेस पर। और हमने एक क्राइटेरिया रखा कि किस क्राइटेरिया के हिसाब से हम किस बच्चे को क्या दें, तो उसमें हमने ज़्यादातर गर्ल्स को चुना, क्योंकि लड़के फिर भी बाहर निकल जाते हैं, मैं बोल सकता हूँ मैं भी अगर कहीं अरेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो हमने इसमें थोड़ा सा ये प्लान किया कि लड़कियों को रूरल एरिए के जिनके यहाँ अपने मकान हैं उनको थोड़ा सा बाहर रखा, क्योंकि जिसका अपना दिल्ली में मकान है तो उनका तो खुद ही सब कुछ है, जो बाहर से आ रहे हैं ट्राई कर रहे हैं। तो हमने क्राइटेरिया बनाकर और उसने ये 130 की लिस्ट निकाली। 130 के बाद अभी हमारा और प्लान है, जैसे हमारे एलुमनाई हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हम वो सारा बजट फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर देते हैं, प्लस फाइनेंशियली के साथ साथ हम लोग प्लान करते हैं कि उनको जॉब ओरिएंटेड जैसे आप लोग जाएं गाइडेंस आपको कैसे मिलेगी। मान लिया कोई ट्यूशन पढ़ाना चाहता है तो हमें पता है कि हमारे सीनियर हैं बहुत सारे लोग, उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हेल्प कर देते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ एलुमनाई जब हम उस अभी रास्ते से गुजरे हैं, सर को तो बहुत टाइम हो गया, यस सर को तो और ज़्यादा टाइम हो गया, लेकिन हम अभी गुजरे हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके बड़ी बहनें हैं, तो हम लोग सारे जुड़े हुए हैं और हम लोग आपको डायरेक्ट गाइड करते हैं कि इससे ये फ़ायदा है। तो वो सारा हम आपको कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से आपको फैज़ पहुँचे, और जब ये फैज़ पहुँचेगा तो आप उसमें अपनी मदद के साथ साथ अपने वालदेन की और जामिया की, जामिया को नहीं भूलना है क्योंकि हम जामिया के देहात पे यहाँ पे हैं। आज मैं हूँ, मैं कहता हूँ गर्व से, मैं किसान का बेटा जामिया का, यहाँ पर वैक्सीन मैनेजर भी हूँ और यहाँ पर जामिया एलुमनाई का सेक्रेटरी हूँ, मुझे जामिया पे गर्व है। तो मैं बिल्कुल अभी चाहूँगा कि आप लोगों से जैसे बार बार सर ने भी कहा और हैदर ने भी कहा, एक उम्मीद ज़रूर होती है आप लोगों की कि आप लोग अल्लाह करे बहुत अच्छे होने पर जाएँ और जिस फील्ड में भी जाएँ, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर हो, चाहे किसी भी फील्ड में, आप लोग जामिया को अच्छे से रखें और अपने लोगों की और ज़्यादा मदद करें। मैं सर का शुक्रगुजार हूँ, सर ने कीमती टाइम पे बहुत शॉर्ट नोटिस में सर आ गए, हैदर मेरे दोस्त भी हैं और जामिया में टीचर भी हैं और एलुमनाई भी हैं, आपका जूनियर बहुत शुक्र, आपका जूनियर कोई बात नहीं, उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अरीब हमारे ट्रेजरार हैं, ये भी आजकल कोर्ट में बहुत बिजी चल रहे हैं लेकिन फिर भी माशाल्लाह सब ने टाइम दिया। मैं सभी लोगों का, हमारे शादाब साहब भी हैं जामिया के, बहुत चीज़ों में एक्टिव रहते हैं, सभी लोगों का इस हॉल में जो बाहर हैं और ख़ास तौर पे उन एलुमनाई का जो बाहर बैठे हैं, वो दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, तो सबके लिए शुक्रिया, शुक्रिया। अब मैं हमारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि बगल में ऑफिस शुक्रिया बच्चे भी